मैं तो यही कहूंगी सभी सनातनी इस चीज को लेकर के जागृत हो, किसी के बहकावे में नहीं आए और सभी एकजुट होकर के सभी आगे बढ़े हिंदू धर्म को लेकर के। हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान से हैं, भारत हमारा यूं ही, ये भारत जो हमारा है ये सिर्फ हिंदू धर्म का है, भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में राममय हो गया है। वर्ल्ड में राममय हो गया है। आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर कुछ राजनीतिक कारणों से पूरा विश्व में राममय है, लेकिन भारत में एक झोपड़ी से महल में आने के लिए 500 वर्ष का तपस्या करना पड़ा। अच्छा, दुर्भाग्य है, लेकिन तपस्या करना पड़ा सनातन धर्मों को। इसीलिए हम चाहते हैं इस जो भव्य जुलूस के आप देखे होंगे उसके बिहार सरकार को हम चिन्हित कर रहे हैं, बिहार सरकार को बोल रहे हैं, केंद्र सरकार को बोल रहे हैं कि ये हमारा जो श्रृंगी ऋषि धाम है ये बाबा का मुंडन हुआ था, श्री राम भगवान का मुंडन हुआ था और इसको अयोध्या से जोड़े और इसको विकास करे ताकि लखीसराय जिला जो है पूरे वर्ल्ड में नाम हो इसका। ये जो अयोध्या है झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। देखिए अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, क्या बोले, अभी ज्ञान भी बाकी है। अच्छा, मतलब ज्ञान व्यापी भी चाहिए। ज्ञान व्यापी भी चाहिए। नमस्कार, मैं एस के आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। अभी देखिए मेरे साथ बहुत सारे मैम हैं और आज जानते हैं कि देश में आज 21 जनवरी और 22 जनवरी को लेकर के किस प्रकार से उत्साहित हैं। कहीं ना कहीं महिलाएं युवतियां भी अब आगे हैं। और क्या कहेंगे मैम, कहां से आए हैं? लखीसराय से रामचंद्र जी का अथी में, उत्सव में। आप कहां से आए हैं? लखीसराय से। तो क्या यहाँ कौन सा स्थान पर आए हैं? श्रृंगी ऋषि का विशेषता कुछ मालूम है? जी, यहाँ पे राम जी का मुंडन हुआ था। अच्छा, देखिए बच्चियाँ भी जानती है भगवान राम का यहाँ मुंडन हुआ। क्या नाम है? प्रीति कुमारी। कहाँ से आए हैं आप? लखीसराय से। आप लोग लखीसराय से आए हैं इस ठंडी में दर्शन कर लिए, क्या कहेंगे? अयोध्या भी जाएंगे क्या? जरूर कोशिश रहेगा। क्या कहेंगे भगवान के लिए, राम के लिए? क्या कहेंगे भगवान राम के लिए? विकास यहाँ होना चाहिए। देखिए गदगद है, क्या कहेंगे मैम? क्या नाम है मैम आपका? हमारी सनातन की प्रचंड जीत हुई है। मैम का इधर दिखाइए। 500 वर्षों की संघर्ष तपस्या के बाद कितने जान गवा दिए, आज बहुत खुश नसीबी की हमारी है जो कि इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है उसकी साक्षी है। सनातन की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है, जीत हुई है। अच्छा, हर हिंदू की जीत हुई है जी। तो क्या कहेंगे इस बार मोदी जी के लिए, क्या कहेंगे, कैसा काम किए? मोदी जी तो मोदी जी है, मोदी जी ऐसा कोई नहीं है और मोदी जी को ही आना चाहिए। मोदी जी को सनातन धर्मी है। हा? बिल्कुल। महिलाएं जिस प्रकार से कह रहे हैं मोदी जी हैं तो उनकी हैं, मोदी जी ही जैसा कोई, लेकिन एक प्रकार से राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। क्या रहने दीजिए उनको, अपनी जगह सब तो बहुत सारे लोग हैं। क्या बोल, जो हमारे सनातन धर्म का विरोध करे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, वो जाए पाकिस्तान, यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं। क्या करेंगे, जो हमारे राम भगवान का विरोधी करेंगे, जो हमारे सनातन धर्मियों का विरोधी करेंगे, ऐसे विरोध करने वाले वो भारत में हमारे रहने लायक नहीं है। बिहार की महिलाएं जो विरोध करती हैं, जो महिलाएं भी विरोध करती हैं, जो पुरुष विरोध, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? महिलाएं पुरुष अगर विरोध कर रहे हैं, किस चीज का विरोध कर रहे हैं? श्री राम जी का। हाँ, आपका शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री तो उनके ही हाथों के कठपुतली है। शिक्षा मंत्री जानते हैं कौन है? शिक्षा मंत्री, उनको खुद शिक्षा सीखने की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। प्रोफेसर है मैम। ठीक है, ठीक है, उन्हीं के रखे है ना। देखिए क्या कहेंगे मैम आप? श्री राम भगवान यहाँ 500 साल बाद यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं अयोध्या में, उनका हो रहा है। हम लोग बहुत मन से, बहुत लगन से यहाँ आए हैं श्रृंगी ऋषि धाम, यहीं से श्री भगवान राम भगवान को दशरथ जी को खीर दिया गया था श्रृंगी ऋषि धाम से, जिनसे श्री राम भगवान चारों भाई का जन्म हुआ। यहाँ सब हम लोग यहाँ मुंडन, यहाँ श्री राम भगवान का मुंडन हुआ था। इसीलिए हम लोग यहाँ सब उत्सव मनाने आए हैं। उत्सव मनाने आए, कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम यहाँ के विशेषताएं के विषय में आप? यहाँ हमारे श्रृंगी ऋषि बाबा है, जहाँ की राम भगवान जी का मुंडन संस्करण किया गया है और ये
भव्य तीर्थ यात्रा है, तीर्थ स्थली है। इस तीर्थ स्थल को सबको जानना चाहिए, सबको इस जगह को आना चाहिए, घूमना चाहिए, जानने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे राम भगवान के यहाँ पे मुंडन संस्करण किया गया। आज के विषय में मैम, अभी नेताजी आए थे आपके, विकास के बारे में तो नेताजी बोल ही दिए हैं, बिल्कुल विकास जी हो गया हर जगह। अभी तो सिर्फ ये जो अयोध्या है, झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। देखिए अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। क्या बोले? अभी ज्ञान व्यापी भी बाकी है। अच्छा अच्छा, मतलब ज्ञान व्यापी भी बाकी है। ज्ञान व्यापी भी चाहिए। अच्छा, ज्ञान व्यापी भी चाहिए। और कुछ चाहिए मैम? चाहिए एकदम पूरा। उन लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? भारत के लिए सभी सनातनी जो हैं, बहनें भाइयों, सभी इस चीज को जाएं, देखें अयोध्या, हमारे राम लला की प्रतिमा। जा रहे हैं अयोध्या में आप? एकदम जा रहे हैं हम। जा रहे हैं जी। अच्छा, परमिला शर्मा जी हैं, देखिए परमिला शर्मा जी ने बहुत अच्छी बातें कही राम मंदिर को लेकर के, और कहीं न कहीं सनातन को लेकर के जो टारगेट करते हैं उनको भी अपना जवाब अपने स्तर से दी, और यहाँ के विकास को लेकर के भी जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी ने कही, उनके बातों को भी रिपीट की, और कई बातें ऐसा है कि लड़कियों और महिलाओं को संदेश देने का प्रयास करेंगे। अंतिम में एक शब्द कह दीजिए। मैं तो यही कहूंगी सभी सनातनी इस चीज को लेकर के जागृत हो, किसी के बहकावे में नहीं आए, और सभी एकजुट होकर के सभी आगे बढ़े हिंदू धर्म को लेकर के। हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान से हैं। भारत हमारा यूं ही, ये भारत जो हमारा है ये सिर्फ हिंदू धर्म का है। ये ऋषि मुनियों की धरती है। ऋषि मुनियों की धरती है। हाँ, ऋषि मुनि की धरती है ये, ना ही कोई और किसी का। चलिए, राकेश रंजीत जी से जानते हैं कि क्या इस स्थल का है, क्या इसका राम मंदिर को लेकर के क्या कहेंगे आज के दिन। पूरा उत्साहित है, मन मन चौनिया मुस्कान है जी। ये तो मान जाए कि खुशी की बात है। 22 जनवरी 2024 हमारे इतिहास में जो है दर्ज हो गया है, और जिस हिसाब से भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में राममय हो गया है। वर्ल्ड में राममय हो गया है। आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर कुछ राजनीतिक कारणों से पूरा विश्व में राममय है, लेकिन भारत में एक झोपड़ी से महल में आने के लिए 500 वर्ष का तपस्या करना पड़ा। अच्छा, ये तो दुर्भाग है। लेकिन तपस्या करना पड़ा सनातन धर्मों को। हम लोगों को, आप लोगों को, ये आप जान रहे हैं कि यहाँ कुछ ही राजनीति के कारण जो है केस फौजदारी जो कि जान रहे, ये सत्य था कि श्री रामचंद्र जी का घर अयोध्या में है। अयोध्या में का राजा जो है दशरथ थे, उनके बेटे थे, और उसी के लहजे में हम जो है आज के दिन 21 जनवरी 2024 को लखीसराय से होते, लखीसराय रामपुर नवाबगढ़ होते हुए लक्ष्मीपुर होते हुए जो है आज श्रृंगी ऋषि धाम आया है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि धाम जो है ये त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। यहीं पर जो है श्रृंगी बाबा श्रृंगी के पास जो है राम भगवान का मुंडन संस्करण हुआ था, जो कि सनातन धर्म में 16 संस्करणों में एक संस्करण मुंडन होता है। 16 संस्कार में एक संस्कार मुंडन का होता है। इसीलिए हम चाहते हैं इस जो भव्य जुलूस के आप देखे होंगे, उसके बिहार सरकार को हम चिन्हित कर रहे हैं, बिहार सरकार को बोल रहे हैं, केंद्र सरकार को बोल रहे हैं कि ये हमारा जो श्रृंगी ऋषि धाम है ये बाबा का मुंडन हुआ था, श्री राम भगवान का मुंडन हुआ था, और इसको अयोध्या से जोड़े और इसको विकास करे ताकि लखीसराय जिला जो है पूरे वर्ल्ड में नाम हो इसका। अच्छा, नहीं पूरा वर्ल्ड में नाम हो जी, पूरा वर्ल्ड में नाम हो। अयोध्या जिस प्रकार से राम मंदिर का विकास हो यहाँ, उसी के तर्ज पर यहाँ भी विकास होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। क्योंकि ये जान लीजिए कि यहाँ पर भगवान आए, राजा दशरथ आए थे, और राम भगवान लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ये सभी का यहाँ पर मुंडन हुआ था। मुंडन जो है सनातन धर्म 16 संस्कारों में से एक संस्कार जो है मुंडन को भी बोला जाता है। मेरा नाम अनिल कुमार है। पूरा यही बोलेंगे कि आज का जो भक्त समय है पूरा राम भक्त हो गया है। जय जय श्री राम। देखिए जय जय श्री राम नारा लगा रहे हैं। हम ये चाहेंगे पूरे भारत वर्ष के नागरिकों से अपील कहेंगे कि हम लोग दीपावली छठ पूजा दशहरा मनाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से 500 वर्षों के पश्चात हमारे कितने भाई
कितने चाचा जो है इस रामलला को बनवाने के लिए शहीद हो गए, उसको हम 22 जनवरी 2024 के दिन हम इसको दीपावली से बढ़कर भी महापर्व के रूप में मनावे और घर में दिया जलाए, रंगोली बनाए, पटाखे छोड़े, अच्छे अच्छे जो है सेवई खाएं, मिठाइयां खाएं और एक दूसरे को जो है हृदय से धन्यवाद दें, शुभकामनाएं दें। जय हिंद, जय भारत, भारत। आप क्या कहेंगे? छोटू तलवार ले ले हैं, क्या कहेंगे? इतना ही कहेंगे, जय श्री राम। बस एक जय श्री राम। पढ़ाई करते हो? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं? अरे बिजनेस करते हो, पढ़ाई नहीं करता है? पढ़ाई छोड़। कहाँ तक पढ़ा लिखा है? 12th तक। उसके बाद बिजनेस उठा लिए एकदम। देखिए जिस प्रकार से, देखिए राममय है, राम को लेकर के जिस प्रकार से श्रद्धा है।